हाल ही में अमेरिका के बम वर्षकों को विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर देखा गया, जिसके बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अमेरिकी बम वर्षक B-52 का उड़ान भरना उकसावे वाली कार्रवाई है। आपको बता दें कि विश्व की दो ताकतों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ संयुक्त अभियान में भारी बम वर्षकों ने हिस्सा लिया और एक दिन पहले इन्होंने दक्षिण चीन सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से उड़ान भरी। इधर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन ग्युकियांग ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैन्य विमान के उकसावे वाली गतिविधि के बारे में हमारा ये कहना है कि हम इनके पूरी तरह विरोध में हैं और इस मुद्दे से सख्ती से निपटने के लिए हम आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा जताता आया है। उसने यहाँ कई द्वीप बनाए हैं और उन पर सैन्य सुविधाएं जुटा ली हैं। इस जल क्षेत्र पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान और वियतनाम भी दावा जताते आए हैं। समुद्री मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने साल 2016 में फैसला सुनाया था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका भी क्षेत्र पर चीन के दावों को खारिज करता आया है।